तो विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्यवाही में शामिल नहीं, न वो चेयर पर बैठेंगे उस दिन और न कोई काम कर सकते। इनको तो नैतिकता के आधार पर तो इनको रिजाइन कर, फिर अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसी दिन हम लोग अध्यक्ष न्याय चुनाव। देश में जो नफरत की राजनीति फैला रहे थे ये बीजेपी वाले, 2024 में हम सफाया कर देंगे और पूरे देश से बीजेपी समाप्त हो जाएगी। हमारे सात दल का महागठबंधन एक साथ और एक मंच पर आना चाहिए। हमारी पुकार लोगों ने सुनी और एक मंच पर आकर महंगाई के खिलाफ में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, और देश में जो नफरत की राजनीति फैला रहे थे ये बीजेपी वाले, उस नफरत के किससे हम लोग, जो नफरत समाज में फैला रहे थे उसको रोकने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और हमारे नेताओं ने कसम खाया है कि 2024 में हम सफाया कर देंगे और पूरे देश से बीजेपी समाप्त हो जाएगी। आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, 164 विधायक के हम लोग आदमी हैं, हमारे सात दल का महागठबंधन है और सातों दल मिलाकर 164 है, इसमें अकेले 79 तो राजद का ही है, 45-46 को जदयू का है, 19 को कांग्रेस का है, लेफ्ट फ्रंट का 16 है और 4 हम का है, 3 या 4 हम का। एक निर्दलीय 164 हम लोग विधायक हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव, इनको तो नैतिकता के आधार पर तो इनको रिजाइन करना चाहिए, और पता नहीं किन कारणों से अभी बने हुए हैं, क्या इनको लग रहा है। और कोई भी आदमी नैतिकता के आधार पर जब अल्पत में आ जाता है तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। अगर ये रिजाइन कर दिए रहते, त्याग पत्र दे दिए रहते, तो शायद अविश्वास प्रस्ताव हम लोग नहीं लाते। तो क्या लग रहा है 24 तारीख को जो होगा सबसे पहला परीक्षा विधानसभा अध्यक्ष को लेके होगा? जब प्रस्ताव अविश्वास का हो जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्यवाही में शामिल नहीं होते, न वो चेयर पर बैठेंगे उस दिन और न कोई काम कर सकते हैं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। चेयर पर उस दिन बैठेंगे उपाध्यक्ष बैठेंगे, बहुमत साबित होगी, फिर अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसी दिन हम लोग अध्यक्ष न्याय चुन लेंगे। इसलिए इनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्वतः ही हट गए हैं।